अनसुने किस्सों के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब मोहन सहगल ने शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी फिल्म साजन में ब्रेक दिया था। आशा पारेख के साथ शत्रुघ्न सिन्हा की अनबन हो गई थी। आगे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी दोस्त अभिनेत्री मुमताज को उनके लिए खड़ा होना पड़ा था। शत्रुघ्न सिन्हा जब पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख रहे थे तभी से इनके बारे में ये बात मशहूर हो गई थी कि ये बेहद ही बेबाक इंसान है। बिना आगे पीछे और बिना कुछ सोचे वो किसी को कुछ भी बोलते थे। जब इन्होंने फिल्मों में काम ढूंढना शुरू किया तो उनकी इस आदत की वजह से फिल्म मेकर्स ने इन्हें काम देने से मना कर दिया था, जिससे इन्हें बहुत नुकसान हुआ। फिर कुछ दिनों बाद मोहन सहगल ने इन्हें अपनी फिल्म साजन में ब्रेक दिया। इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा संजीव कुमार के जरिए मुमताज से मिले थे। मुमताज ने शत्रुघ्न सिन्हा में एक अच्छा दोस्त पाया था। कहते हैं कि मुमताज के कहने पर ही शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म खिलौना में काम मिला था। इस फिल्म में टीएलवी प्रसाद ने उन्हें छोटा सा रोल दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म की शूटिंग के लिए सेट पर आकर घंटों बैठे रहते थे, लेकिन उनका कोई सीन नहीं होता था। वो न्यू कमर थे, सेट पर उन्हें परेशान भी किया जाता था। मुमताज से शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती कई लोगों को खलती थी और उन्हें खूब परेशान किया गया। कई दिन बीत जाने पर भी जब उनका शॉट नहीं आया तो वो भड़क गए और डायरेक्टर से भिड़ गए। उनकी इस हरकत के कारण डायरेक्टर ने इन्हें फिल्म छोड़ने के लिए कह दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा का फिल्म से निकलना उनके करियर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। ऐसे में जब ये बात मुमताज को पता चली तो उन्होंने निर्देशक को धमकी दे डाली कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म से निकाला जाएगा तो वो भी फिल्म छोड़ देंगे। मुमताज फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी और उस वक्त उनका नाम बहुत बड़ा था। निर्देशक इतनी बड़ी अभिनेत्री की नाराजगी नहीं झेल सकते थे, इसलिए उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म से ना निकालने का फैसला किया। अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में ऐसे ही और भी अनोखी दास्तां को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।